सो हे गाइस, क्या आप भी अपने लिए कम प्राइस पर कोई अच्छा सा कैमरा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन अराउंड 10,000 रुपीस। और दोस्तों, यहां पर जो स्मार्टफोन हमने पिक किए हैं, सभी के कैमरा परफॉर्मेंस आपको बहुत ही कमाल की मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर दोस्तों, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रेडमी की तरफ से आने वाले रेडमी 10 की। ये फ़ोन आपको डिज़ाइन और बिल्ड के मामले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिल जाता है, साथ ही साथ हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी HD प्लस की IPS LCD पैनल। लगभग 400 नीट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 63 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट आपको मिलती है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर वाइट बाइनलमर का सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है, तो आप यहाँ पर ऑनलाइन कॉन्टेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर सकते हैं। तो डिस्प्ले बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर दिया गया। वैसे आपको यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। सेल्फी की बात करें तो आपको यहाँ पर मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर ठीक है। आउटपुट की बात करें तो आपको यहाँ पर डिसेंट आउटपुट भी मिल जाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट, और ये चिपसेट इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, जो कि आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 2 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस बजट के हिसाब से देखेंगे तो काफी अच्छे स्कोर्स हैं। तो आपको यहाँ पर डेली परफॉर्मेंस और गेमिंग में कोई शिकायत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4 इसके रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी दिया गया है, तो फोन की परफॉर्मेंस से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे दोस्तों, पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा भी मिलेगा, साथ ही में 18 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया। चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है, चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है, तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा है। वहीं पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर ले तो रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन। और हाँ दोस्तों, ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 के MIUI 12। बहुत जल्द आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 12 भी देखने को मिल जाएगा। सो देखा जाए तो फोन अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम प्लस 2GB की वर्चुअल रैम और 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे इस समय लगभग 9,500 रुपए। पर दोस्तों, बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन आपको मिल रहा है 8,499 रुपए की प्राइस पर। और दोस्तों, अगला स्मार्टफोन इस बजट के अंदर आपको कैमरा परफॉर्मेंस के साथ साथ बाकी सारे फीचर्स में भी काफी कमाल का मिलता है। ये फोन यहाँ पर इन्फिनिक्स का नोट 12 प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, लेकिन दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी के साथ साथ काफी लाइट वेट और काफी स्लिम फोन है, तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस वाली AMOLED की पैनल, 1000 नीट्स की ब्राइटनेस, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी यहां पर आपको काफी अच्छी मिलती है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहां पर मिलते हैं 2 कैमरास, जहां पर मेन कैमरा लगा हुआ 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और आपको यहां पर एक QVGA सेंसर भी दिया गया है। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें सो फ्रंट कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS, और बैक कैमरा से आप यहाँ पर 2K रिजोल्यूशन तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेंगे अप टू 30 FPS, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio G88 का चिपसेट, हालांकि 12 nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस काफी अच्छी निकाल कर देता है, साथ ही साथ गेमिंग वगैरह भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी कराता है। दोस्तों, ये फोन भी अंततः पर लगभग 2,40,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UMCP वाला स्टोरेज भी आपको दिया गया, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो इस फोन के बैक साइड में भी आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात कर ले तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर, जहां पर आपको DTS सराउंड साउंड का सपोर्ट मिलेगा, और हाँ दोस्तों, यहां पर भी आपको ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। वैसे ये फोन रन करता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी आपको यहां पर मिल जाएगा। सो देखा जाए तो ये भी फोन अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4GB रैम और 2GB की वर्चुअल रैम के साथ में 64GB की स्टोरेज आपको मिल जाती है, और इसके लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। पर दोस्तों, हल्के फुल्के बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन अराउंड 9,000 रुपीज की प्राइस पर आपको मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, इस लिस्ट का जो हमारा अगला फोन है, ये फोन इस बजट के अंदर आने वाला टॉप नॉच कैमरा स्मार्टफोन है। और गाइस, ये फोन है यहाँ पर सैमसंग का गैलेक्सी F22। अभी आपको डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.4 इंचेस की HD प्लस वाली सुपर AMOLED पैनल,
साथ ही में 600 nits की ब्राइटनेस दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, लेकिन 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। तो डिस्प्ले बजट के हिसाब से काफी अच्छी है। वहीं पर कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर चार कैमरास मिलते हैं, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर काफी अच्छा है और काफी अच्छी इमेज आउटपुट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G80 का चिपसेट, हालांकि 12 nm की फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, लेकिन इस बजट के अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देते। अंततः पर दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग 2 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे दोस्तों इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलेगा, जहाँ पर 15 वोल्ट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जर बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। रही बात स्मार्टफोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और हाँ दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 11 पर, लेकिन बहुत जल्द आपको एंड्रॉइड 12 का अपडेट इस फोन के अंदर मिल जाएगा। सो देखा जाए गाइस, तो ये स्मार्टफोन कहीं ना कहीं एक ऑलराउंडर फोन है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 10,499 रुपये। वहीं की तरफ और दोस्तों अगला स्मार्टफोन यहाँ पर एक काफी अच्छा पैकेज है, जो कि आपको मिल जाता है मोटोरोला की तरफ से, और कैसे फोन यहाँ पर Moto G32 की। ये जो फोन है ये आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रांग है और हल्के फुल्के वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। साथ ही में इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 600 nits की ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ, इसके अलावा 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर मिल जाता है सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज भी अच्छी आ जाती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है। रही बात अंततः स्कोर की, तो ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 2.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, और उस हिसाब से देखेंगे तो परफॉर्मेंस और गेमिंग दोनों ही आप यहाँ पर अच्छी कर सकते हैं। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UMCP वाला आपको यहाँ पर स्टोरेज भी मिल जाता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे ये फोन आपको एक दिन का बैकअप बहुत आराम से देता है, तो ये अच्छी बात है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, और दोस्तों ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट बहुत ही जल्द इस फोन के अंदर आपको मिलने वाला है। सो देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है, अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 4GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपये। वैसे दोस्तों अगर आप यहाँ पर 1,000 रुपये और लगा सके तो आपको यहाँ पर मोटोरोला का G42 स्मार्टफोन भी मिल जाता है, जहाँ पर आपको एमोलेड की पैनल मिलती है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स वगैरह दिए गए हैं, 680 का ही चिपसेट मिलेगा, लेकिन फोन काफी अच्छा है, सो आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। और दोस्तों अगला स्मार्टफोन यहाँ पर रियलमी की तरफ से आने वाला, रियलमी का 9i। ये जो फोन है दोस्तों ये आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के काफी अच्छे दिए गए हैं। वहीं पर फोन की डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर लगी हुई 6.6 इंचेस की एक फुल HD+ वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको ड्रैगन प्रो ग्लास का सपोर्ट दिया गया है, 500 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो फोन की डिस्प्ले क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती। वैसे दोस्तों कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं 3 कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। यहाँ पर आपको डिफरेंट मोड्स देखने को मिल जाते हैं, नाइट मोड वगैरह भी आपको यहाँ पर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी आती हैं। वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। वहीं पर परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर लगा हुआ है 6 nm बेस क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का 4G चिपसेट, और दोस्तों ये चिपसेट इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट चिपसेट है, जो कि आपको यहाँ पर लगभग 2,60,000 से 70,000 के आसपास अंततः स्कोर निकाल कर देता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.1 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो इस फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जहाँ पर 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट दी गई है। वैसे दोस्तों इस फोन के एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको मिलता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन, और भाई ये जो फोन है ये एंड्रॉइड 11 पर आता है, लेकिन एंड्रॉइड 12 का अपडेट इस फोन के अंदर आपको डेफिनेटली और बहुत जल्द मिलने वाला है। सो बेसिकली अगर आप इस बजट के अंदर Realme की तरफ से कोई कम बजट के अंदर अच्छा कैमरा वाला फोन ढूंढ रहे थे तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की गाइस, तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 10,499 रुपये, और इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट फोन है, तो आप चाहें तो इसे भी चेकआउट कर सकते हैं।
सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।